वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या बुटीक समर स्पेशल। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ प्लाजो कटिंग और एंड स्टिचिंग, और साथ में मैं आपको पॉकेट भी लगाना बताऊंगी। और ये प्लाजो मैं इस नाप से बताऊंगी। मैंने ये तीन मेजरमेंट लिए हैं, एक लंबाई है 36 इंच और हिप है 44 इंच, मोरी है इसकी 30 इंच। तो हम 44 का चौथा हिस्सा करेंगे 11 इंच और मोरी का हम 2 हिस्सा करेंगे तो हो गया ये 15 इंच। तो हम इस 44 हिप्स के हिसाब से मैं आज आपको प्लाजो की कटिंग दिखाऊंगी। 44 हिप के हिसाब से प्लाजो की कटिंग कैसे करनी है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। जो भी मेरी बहनें हैं घर से बाहर नहीं जा सकती, वह इस प्लाजो को कटिंग आसानी से कर सकती है, कटिंग और सिलाई। चलिए हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये मैंने 4 लेयर में बिछा लिया है। ओपन हिस्सा इस तरफ को है और बंद वाला हिस्सा मेरी साइड को है। तो इससे पहले यहाँ से हम सीधा कर लेंगे चारों पल्लों को इस तरह से, और यहाँ से लगाएंगे हम लंबाई का निशान। पहले हम एक निशान लगाएंगे यहाँ से 2.5 इंच पर इस तरह से। यहाँ से हम लास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे इसको, एक निशान हमने ये लगाया और एक निशान ये से जो हमें 2.5 इंच का निशान लगाया इससे नीचे लगाएंगे हम लंबाई का निशान। तो ये 36 इंच की तैयार रखनी है, तो ये 36 इंच पे एक निशान लगाया और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। और यहीं से ही हम मोरी फोल्ड के लिए भी निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। हमने निशान लगा लिया है, अब हमें इसका सेंटर देखना है। कि जिस तरह से मैं आपको आज ये प्लाजो की कटिंग मैंने पहले भी डाल रखी है, वीडियो अपलोड कर रखी है, तो मैंने ये कुछ अलग तरीके से बताऊंगी कि ये हमारा घूमेगा नहीं प्लाजो। इस तरह से हम इसको बनाएंगे इलास्टिक वाले प्लाजो को। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको देख लेंगे कि इसका सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से रखें और इंची टेप को यहाँ पर मिलाएं ऐसे, और एक निशान लगा लें यहाँ पर ये सेंटर में। तो यहाँ से देखेंगे कितना है, ये आया हमारा 10.25 इंच। तो 10.25 इंच ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे ऐसे, 10.25 इंच पे हमें ये निशान लगाया। और इसी निशान से हम कमर का और हिप का और आसन का निशान लगाएंगे। तो 44 इंच थी हमारी हिप के हिसाब से, तो 44 का चौथा हिस्सा हुआ हमारा 11 इंच। 11 में हम 3 इंच ऐड करेंगे तो हो गया हमारा 14 इंच। तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे, तो यहाँ से 1/2 इंच हम मार्जिन के लिएंगे, तो 15 इंच पे 7.5 इंच पे इस निशान से हम यहाँ तक निशान लगाएंगे और 1 7.5 इंच पर ही हम यहाँ से लगाएंगे ऐसे। ये हमारे 2 निशान हो गए। अब हमें इसके अंदर अंदर से ही निशान लगाने हैं। तो यहाँ से हम आसन रखेंगे, इसका आसन भी हम 14 इंच रखेंगे हिप के हिसाब से ही। तो ये मैंने 14 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से भी हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको भी हम सीधा कर लेंगे आसन के निशान को। और जो हमें ये सेंटर का निशान लगाया था, यहाँ से एक बार इसको हम नाप लेंगे इस तरह से, ये हमारा कितना, ये हमारा 2 इंच का मार्जिन है। तो 2-2 इंच पर हम ऐसे निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से भी, और इस निशान को भी यहाँ से हम सीधा कर लेंगे यहाँ से। और इस सिफर फट्टी से यहाँ से हम हल्की सी इसको सेक देंगे। अगर यहाँ से ये शेप ना दें तो भी चलेगा, प्लाजो फिर भी अच्छा बनेगा। तो थाई भी
भी हम इसकी 14 इंच रखेंगे। यहाँ से ये 14 इंच पे एक निशान लगाया, 14 इंच पे एक निशान हमें ये लगाया है, यहाँ से जो हमें ये निशान लगाया था 2 इंच अंदर की तरफ वाला, तो इसी से ही हमें 14 इंच पे निशान लगाना है। तो इस निशान को हम आसन के हिप के निशान से ऊपर मिला देंगे इस तरह से, तो इससे बाहर की तरफ हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम इसकी इस तरह से शेप दे देंगे। तो अब हम मोरी का निशान, मोरी हमें रखनी है इसकी 15 इंच ही, तो इसी निशान से हमें सेंटर के से तो 7.5 इंच हमें इस तरफ को लेना है, और 7.5 ही हमें इस तरफ को लेना, तो ये 15 इंच हो गया। ये 15 इंच पे हमें यहाँ पर निशान लगाना है, तो और हाफ हाफ इंच हमें मार्जिन के लिए भी रखना है। तो हो गया ये टोटल 16 इंच। तो 16 इंच पे निशान लगाया और इसको इस तरह से मिला देंगे, यहाँ से इस तरह से। और इस साइड से भी हम इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमें प्लाजो की निशान लगा लिए है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको प्लाजो की कटिंग बताई है, बिगनर इसको बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकता है। चलिए इसको भी यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच मार्जिन को रखते हुए कटिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ से भी हम 1/2 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए। ये हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई। और यहाँ से हम कट लगा लेंगे। ये हमें इलास्टिक के लिए 2.5 इंच का निशान लगाया था, और यहाँ पर हम मोरी पर भी कट लगा लेंगे। ये हमें प्लाजो की कटिंग कर ली है। मैं आपको पॉकेट कट करके दिखाती हूँ कि पॉकेट की कटिंग कैसे करनी है। ये प्लाजो मैंने 2 मीटर फैब्रिक से कट किया है, और 2 मीटर में से हमारा ये फैब्रिक बच गया है, तो हम इसी में से पॉकेट कटिंग करेंगे। हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पॉकेट की कटिंग दिखाऊंगी, और पॉकेट को अटैच करना भी बताऊंगी। यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे, और पॉकेट की चौड़ाई हमें सिर्फ 7 इंच रखनी है। ये मैंने 8 इंच पर लिया है, तो 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा, तो हमारी 7 इंच तैयार रहेगी पॉकेट। और लंबाई हम इसकी 11 इंच रखेंगे, 11.5 इंच, तो आधा इंच मार्जिन में जाएगा, तो हमारी 10.5 इंच की पॉकेट हमारी तैयार रहेगी इसमें भी। बस हमें बस जो मैंने आपको ये यहाँ से मैंने आसन को ज्वाइंट कर लिया है, बैक को भी और फ्रंट को भी। हमें 2 पल्ले ऐसे उठाने हैं और यहाँ से ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों को ज्वाइंट कर लिया। अब हम लगाएंगे इसमें पॉकेट।
फ्रंट पल्ले में। तो हम इसको फ्रंट पल्ले को इस तरह से ओपन करेंगे इस तरह से, और इस साइड से हम पॉकेट लगाएंगे। जो हमें ये इलास्टिक का निशान लगाया था मैंने, तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरह से और फोल्ड करेंगे हाफ इंच अंदर की तरफ, और फिर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये निशान लगाया है मैंने एक। ये हमारे ऊपर हमें बेल्ट अलग से लगानी थी, तो जैसे कि हम पैंट में बेल्ट लगाते हैं, तो हम इसी से ही, हम इसी निशान से ही, यहाँ से ही हम पॉकेट को रखते और लगाते। तो हमें ये अंदर इलास्टिक डालनी है, तो इसको फोल्ड करना है। तो हमें जहाँ तक हमें इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है वहाँ तक निशान लगाना है पहले, और फिर इस निशान से हाफ इंच अंदर की ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, और इस निशान से हम, ये हमारे पास पॉकेट है, इसका एक पल्ला उठा लेंगे इस तरह से। एक पल्ले को उठाएं और ये हाफ इंच का ऊपर की तरफ हमें निशान लगाया। आपको जो जो तरीका मैं आपको ये बताई हूँ, ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको इस तरह से फोल्ड कर ले, करें पॉकेट को रखें और इस तरह से फोल्ड करें। ये हमारा हाफ इंच है ना, जो इसके ऊपर पॉकेट के ऊपर इस तरह से आना चाहिए, तो इसके ऊपर को सिलाई चली जावे, तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ तक रखा, तो ये पॉकेट रख लिया है। तो पॉकेट को रखने के बाद हम एक इंच नीचे पॉकेट के ऊपर लगाना है, ये हमें ये निशान एक इंच नीचे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक इंच का निशान लगाया। तो एक इंच के निशान से हम जितना हमें पॉकेट का निशान लगाना, ओपन रखनी है पॉकेट, तो 5.5 तक भी होता है, ये 6 तक। तो ये मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ यहाँ पर, ये मैंने एक 6 इंच पे निशान लगाया, और इससे इस तरह से करके हाफ इंच ऐसे, जैसे ही मैंने इस तरह से निशान बनाया, ऐसे ही हमें इस पर सिलाई लगानी है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से इस तरह से रखें, और इसको जिस, ऐसे ही हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, और इसको इस तरफ को उतार देंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद जो हमारे ये कॉर्नर हैं इस तरह से, इन कॉर्नर पर हम कट लगा लेंगे इस तरह, दोनों कॉर्नर पर कट लगा लेंगे, ताकि हम पॉकेट को फोल्ड करें तो यहाँ से ऐसे, जैसे कपड़ा बटला हो जाता है, ये ऐसे कपड़ा बटला नहीं होगा। तो इस तरह से इसको दोनों साइड से पॉकेट को अंदर कर इस तरह से पलट लें ऐसे। ये देखिए ये मैंने उल्टी तरफ को पलट दिया, जैसे कि हम नेक बनाते हैं, नेक को सीधी तरफ रखकर और उल्टी तरफ को पलट देते हैं, इसको भी हमें उल्टी तरफ को पलट दिया है इस तरह से। और यहाँ से भी हम एक इसकी किनारी से सिलाई लगा लेंगे, मैंने एक सिलाई ऊपर से भी लगा ली है यहाँ से। ये देखिए इसको, अब हम इसको उल्टी तरफ को रखेंगे इस तरह से, इस तरह से रखेंगे, और इसके ऊपर ये पीस रखेंगे यहाँ से ऐसे, इससे बिल्कुल ऐसे मिला लें, और यहाँ पर भी एक निशान लगाए, और इस साइड को भी। अब हमें इसको इस तरह से रखा है, हम इसको उठाएंगे, ऊपर वाले पीस को इस तरह से ही उठाएंगे हम इसकी सिलाई को गुम, जो आपको सिलाई गुम नहीं करनी है, इंटरलॉक करनी है, तो इसको यहाँ से लेके ऐसे इस तरह से सिलाई लगा दें। ये देखिए हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसको ऐसे यहाँ से सील लेंगे। ये हम मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से, और इसको भी यहाँ से एक सिलाई ऐसे ले लेंगे
से और बिल्कुल इसके बराबर बराबर से हमें ये सिलाई लेके आनी है। ये हमारी पॉकेट अब तैयार है, ये देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा ये हमारी पॉकेट तैयार है। और यहाँ से हम और लॉक कर लेंगे, और लॉक नहीं करनी है तो हम इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लें और फिर एक सिलाई लगा लें, या आपको सिलाई को गुम करना है तो इसी को उल्टी तरफ को इस तरह से पलटे और अंदर को सिलाई लगाए फिर इसको सीधा कर लें। तो दो तीन तरीके हैं और पॉकेट लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से पॉकेट लगती है और बनती है। तो ये मैंने सबसे ईजी तरीका आपको बताया है पॉकेट लगाने का, तो आप इस तरह से लगाओगे तो बहुत ही आसानी से पॉकेट लगा सकते हो। अब हम इसको इसके साथ बैक पल्ले को भी ज्वाइंट करेंगे, इस तरह से ही रख लेंगे आसन से, आसन को मिलाएंगे इस तरह और यहाँ से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे ऐसे। जो हम ये कट लगाए हैं, जो हम ये कट लगाते हैं तो इस कट इन कट को मिलके ही लेके चलना पड़ता है, जैसे कि यहाँ से कट मिलाए और फिर सिलाई लगाई। और इसको अच्छे से पकड़ें और सिलाई लगाएं। आपको बताया है आप इस किसी भी साइज के लिए ऐसा प्लाजो बना सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये समझाया है कि प्लाजो की कटिंग कैसे करनी है। आपको मेरी कटिंग और सिलाई कैसे लगी इस पे कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए हमें उल्टी तरफ को करा है और ये पॉकेट है, पॉकेट को अंदर की तरफ से हम इस तरह से करेंगे और ये हमने ये सिलाई लगाई थी एक पॉकेट लगाते वक्त, तो इसी सिलाई से हम सिलाई लगाएंगे, इसके ऊपर से ही सिलाई को लगाएंगे। ये मैंने दोनों साइड को सिलाई लगाकर इसको ज्वाइंट कर लिया है और यहाँ से हम पहले इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने इलास्टिक इसकी कमर के हिसाब से ली है, कमर है इसकी 32, तो मैंने ये भी इसकी 32 इंच ही ली है इस तरह से। तो इसको यहाँ से ऐसे जोड़ लेंगे, सिलाई लगा लेंगे यहाँ से, इसे पक्का कर ले इलास्टिक को। अब हम प्लाजो को पहले सीधा कर लेंगे। आप इसमें पहले इसको इस तरह से रखें और इसको ऐसे फोल्ड कर लें, और जैसे हम बेल्ट में नेफे को फोल्ड करते हैं इस तरह से फोल्ड करने के बाद भी आप इलास्टिक को डाल सकते हो। और एक मैं आपको ये नए तरीके से बताती हूँ साथ के साथ ही इलास्टिक को कैसे डालना है। इस तरह से प्लाजो को सीधा कर ले, करने के बाद सीधा करने के बाद यहाँ आसन से हम
इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद इसको आसन की सिलाई को देख ले, जिस तरफ को है तो उसी तरफ को हमें फोल्ड करनी है ये सिलाई, और इसको यहाँ से पकड़े और लास्टिक से आप इंच इधर की तरफ को छोड़ के और यहाँ से सिलाई लगाएं। पॉकेट के पास से हम पॉकेट को अच्छे से रख लेंगे कि पॉकेट में कहीं भी झोल ना आए, और फिर हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारा ये फोल्ड करते हैं हम लास्टिक के ऊपर फैब्रिक को, तो ये हमारी यहाँ पर पॉकेट पर आना चाहिए इस तरह से। जितना हमें मार्जिन लिया है हम पूरा मार्जिन ही हमें लेके चलना है। ये देखिए यहाँ से हमारी पॉकेट भी बंद हो गई है, ऊपर से भी और नीचे से भी। जैसे ये मैंने ऐसे सिलाई लगाई है, मैं पूरे राउंड में सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सिलाई कैसे लगाई है। ये देख के मैंने ये इलास्टिक को लगा दिया है, प्लाजो में ज्वाइंट कर दिया है सिलाई लगा के। ये कुछ इस तरह से है। अब हम इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे, इस तरह से रखेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, तो पहले एक बार इसको इस तरह से और एक इस साइड से खींच लेंगे। ऐसे खींचने के बाद फिर हम सिलाई लगाएंगे। इसको यहाँ तक आए, फिर इसको छोड़ दें, फिर इसको इस तरह से ही खींचेंगे और सिलाई लगाएंगे। पूरे राउंड में हमें ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। सिलाई लगाने से एक तो हमारे प्लाजो में सफाई नज़र आती है, और इससे हमारा क्या होता है कि कई बार हम ये सिलाई नहीं लगाते तो लास्टिक घूम जाती है। इस सिलाई से हमारी लास्टिक भी नहीं घूमेगी। तो अब हमें ये सिलाई, तो मैंने ये सिलाई तो लगा ली है, तो अब हम इसकी मोरी को फोल्ड करेंगे। मैं आपको एक साइड से मोरी को फोल्ड करके दिखाती हूँ कि मोरी को फोल्ड कैसे करना है। हमें इतना मार्जिन लिया था, तो इस तरह से इसको ऐसे रखेंगे। जे आपको इसे चौड़ी चाहिए फोल्ड में, तो इसको ऐसे रखें और यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएं, बट मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी ऐसे, और यहाँ से सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगा ली है, ये देखिए इस तरह से। जैसे मैंने इस मोरी को किया है, ऐसे ही मैं इस मोरी को भी ज्वाइंट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको साइड की सिलाई, हम जैसे सिंपल प्लाजो में लगाते हैं ऐसे ही सिलाई लगा ले, फिर मैं आपको पूरा ही प्लाजो दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आई है बनने के बाद। ये देखिए ये मैंने सिलाई को लगा लिया है, मोरी को भी मैंने फोल्ड कर लिया, और जो हमारी अंदर की सिलाई होती है मैंने इसको भी लगा लिया है। 44 इंच हिप के साइज से मेरे पास ये प्लाजो बिल्कुल तैयार है बनकर। ये देखिए इस तरह से आपको दिखाती हूँ मैं। और ये हमारी पॉकेट है, जो ये मैंने पॉकेट लगाई थी, ये देख इस तरह से यहाँ से पॉकेट। और कहीं से भी प्लाजो छोटा बड़ा नहीं है बिल्कुल,
इक्वल बना है, हमें जितना भी हमें मैंने तैयार किया था, कटिंग किया था, उतना ही हमारा तैयार है। और कितनी सफाई के साथ मैंने प्लाजो को तैयार किया है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करना, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।